राजपुरा दे विच बीते दिनी फड़ी गई नजायज शराब की फैक्ट्री ते साबका सांसद डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने प्रतिक्रिया दिती है। डॉक्टर गांधी वालों हलका घनौर के विधायक मदन लाल ते आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अते मदन लाल की शह ते सब कुछ हो रहा है, शराब माफिया सरकार की मिली भुगत दे नाल ही काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बली का बकरा बनाया जा रहा है। पुलिस वालों उन्होंने कहा कि असली काम विधायक सरकार ही कर रही है, जिन्हें कदे भी कार्रवाई नहीं होंगी। असली गुनाहगार बच जाते हैं, उन्हों की प्रॉपर्टी जबत क्यों नहीं होंगी, ना ही इन्होंने कोई कार्रवाई होंगी है। दस दिए कि इस तो पहला भी शराब के मामले के विधायक मदन लाल जलालपुर का नाम सामने आया सी, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने क्लीन चिट दे के छड़ दिता गया। उन्होंने कहा कि सरकार ड्रामेबाजी कर रही है। ये कि देखो ये तो पंजाब की त्रासदी है कि इतों कली दारू नहीं, नशे भी, शराब भी, ट्रांसपोर्ट भी, क्रेता बजरी भी, केबल भी, तो भू माफिया भी, सारिया जरिया जे जे मतलब कारोबार ने माफिया जकड़ है। ये शराब का माफिया बहुत तगड़ा माफिया हैगा, ये अरबा खरबा का कारोबार हैगा है। और ये अकाली भी गलतान रहे अपने समय से, हम कांग्रेस भी गलतान हैगी है। जिसे घनौर का एरिया बड़ा नोटोरियस है, बड़ा शरारती हैगा है, तो इतों के मतलब स्थानक जो लीडर है कांग्रेस के, उन्होंने सह सहमति तो बगैर, उन्होंने इशारे तो बगैर, पुलिस की मिली भुगत तो बगैर, जे पुलिस चाहे जे सरकार चाहे तो एक पत्ता नहीं हिल सकता पंजाब में। जे एडी बड़िया फैक्ट्रियां चलदियां पईयां, और जिहड़ा असीं जगीरा चोणां वेले जगीरा फड़िया सी कांग्रेस कांग्रेसी दी कांग्रेसी दे एक शैलर चों, जिहदे च हजारां की 40-50 हज़ार बोतल सी, और कई ट्रक कढ़ते कई ट्रक असीं फड़े सीगे, वह भी शराब इन्हां फैक्ट्रियां चों आई सीगी। फैक्ट्रियां पुरानियां चलदियां पईयां, उस तो पहलां 6 महीने पहलां भी फैक्ट्रियां रौला पिया सी, ते मदन लाल जलालपुर दे इल्जाम लगे सीगे। मैं किसी ना नहीं वैसे लगे उन्होंने पर अज तक कार्रवाई नहीं, कहते सीबीआई इनक्वायरी बैठी सब बकवास है। इनक्वायरियां मतलब गलू खत्ते बट्टे खाते पाओ तो गल लोग भुल जाते, उन्हें चर नवी गल आ जाती। जेकर इन्हें लगाम लगी होंगी जो नशा माफिया हैगा, मेरे अमृतसर 124 बंदे मरे ने बदकिस्मती, वो ना मरते हैगा, पर क्योंकि इन्हें मुनाफे धंधा बनाया हुआ, इन्हें सियासत को धंधा बनाया हुआ, सियासत के सिर से मुनाफे करके अगलिया चोणों वास्ते पैसे इकट्ठे करते हैं, तो आप भी करते उपर भी देंगे है। ये कभी हो ही नहीं सकता कि जरा MLA वो वजीर तो बगैर, तो वजीर मुख्यमंत्री तो बगैर, तो थल्ले करेंगे MLA तो बगैर कोई काम कर सके। बड़ी लड़ी हैगी, पूरी परोई हुई लड़ी हैगी, जिस चाहे सारे गंदे काले कारोबार, चाहे नशे बेचण का हो, चाहे कब्जे करन का हो, चाहे शराब का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का, सारे कारोबार एक लड़ी चलते हैं, और लड़ी वो हेठा तो लगे उपर तक जाती है। तो फिर लास्ट बार बीते दिन जिस दिन भारत बंद से उदो BJP के पटियाले फ्लैक्स के उपर कांग्रेस पहुंची गई। BJP के कहने कांग्रेस का काम है या किसानों का काम है? नहीं, किसानों का कोई काम नहीं है, ना ही कांग्रेस का काम है। इदा की शरारत BJP आप भी कर सकती है। सानू तां इह भी खर्चा कि जिते किसान शांतिपूर्वक ढंग नाल 3 महीने तो संघर्ष कर रहे हैं, पिंड पिंड आराम नाल, पंजाब च 3 महीनों तुसीं देखिया होना एक पत्ता भी नहीं तोड़िया गया, एक बट्टा तक नहीं मारिया गया, सरकारी प्रॉपर्टी नूं एक धेले का नुकसान नहीं किया गया। सो इन्ना शांतिपूर्वक संघर्ष जिहड़ा हैगा है उहनूं बदनाम करन, क्योंकि जे सरकार ने डंडा वाहना होया, डंडा चलाना होया, तो उहनूं कोई बहाना चाहिए। सानू तां इह भी खर्चा कि BJP अकाली अकाल अकाल कुछ नहीं, छोटी जी गल है, ये बड़ी भी अपने बंदे भेज के गड़बड़ करवा सकती है, किसी इत बट्टा भिजवा सकती है किसी बसा पर गड्डिया से। सो ये इस गल का किसान वीर सुचेत रहना चाहिए। मैं हमने दिल्ली जाके आया, अभी उन्होंने कहा सेगा कि उन्हें 500 मैंबरी कमेटी बनाई है, 10 मैंबरी उन्हें 500 मैंबरी वलंटियर फोर्स बनाई है, और 10 मैंबरी कमेटी बनाई है जी बारे तत्तों जो अंदर आते हैं उन्हें निगरानी रखूगी, और पछाणूगी कि बंदा बहर लाएगा, और जो कोई अजी कार्रवाई करूँ उत्थे काबू पिछे नहीं काबू करके पुलिस को फड़ाए भी है। लास्ट ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਹਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯਾਸ਼ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਲ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤਾਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਯਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਲ ਨਵਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ 'ਚੋਂ ਗਲਤਾਨ ਹੈਗੇ।